जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने गुरुवार को सीतापुर अस्पताल कैंपस में स्थित समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र में दिव्यांग जनों और उनके अभिभावकों के लिए निःशुल्क कोविड टीकाकरण कैंप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर किरण के पोस्टर का भी विमोचन किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी केविजयन पांडेय ने बताया कि यह टीकाकरण कैंप दिव्यांग जन तथा उनके परिजनों के लिए 2 दिन के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, जनपद के सभी दिव्यांग जन CRC पर पहुंचकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया, इसके अलावा जो दिव्यांग जन यहां से दूर हैं, उनके लिए ब्लॉकों पर टीकाकरण चल रहा है, जहां पर दिव्यांग जन अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा, जनपद में लगभग 70,000 से 1,00,000 दिव्यांग जन है, जिनके लिए अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। इस अवसर पर CMO डॉ. सुधाकर पांडे, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक डॉ. हिमांशु दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CRC के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रवि कुमार तथा जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा, विशेष टीकाकरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे बहुत सारे दिव्यांग जब थे जो बैठे हैं और शुरुआती तौर पे जनरल जानकारी आपको दे रहा हूँ, विक्रेता से स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने का काम CRC कर रही है। ये एक राज्य स्तर के जो विभाग अलग अलग है, उन विभागों के साथ लाइजनिंग करते हुए हम प्रयास करते हैं कि ये सेवाएं हम उनको प्रदान, हमारे अतिथि महोदय का आगमन हो रहा है और अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। मैं चाहूँगा आपसे कि कर्ता ध्वनि से सबका स्वागत करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय और हमारे सम्मानित अतिथिगण का CRC के अधिकारीगण से कि आप दीप प्रज्वलित करें। कोऑर्डिनेटर CRC गोरखपुर से, आज जैसा कि DM साहब ने बताया कि 2 दिनों का COVID-19 वैक्सीनेशन दिव्यांगजनों और उनके पेरेंट्स के लिए 2 दिनों का बृहद स्तर पे ये कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। और आप लोगों से भी निवेदन है, मीडिया प्रोफेशनल से भी, जो भी दिव्यांगजन हैं उनके पेरेंट्स हैं, उनको कोविड वैक्सीनेशन से उनके बारे में अवगत कराएँ और आज और कल का वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठाएँ। CRC गोरखपुर हमेशा जिला प्रशासन के सहयोग से हमेशा ये प्रोग्राम करता रहा है, दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु, कोविड वैक्सीनेशन हेतु, अदर कन्वर्जेंस प्रोग्राम भी हर महीने पे 10-15 कन्वर्जेंस प्रोग्राम NGO के साथ करता रहा है। आज का जो
विषय है कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव, जिसमें हमारे दिव्यांगजन 18 साल से ऊपर के दिव्यांगजन और उनके माता पिता आज इस दो दिन के कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का फ़ायदा उठाएंगे और हमें आशा है कि इसको आप बृहद स्तर पर आपके लिए MHRS मेंटल हेल्थ लाइन भारत सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। जो भी कोविड 19 पैंडेमिक से उनको ग्रसित है उनके लिए ये कोविड 19 का पैकेज किरण मेंटल हेल्थ लाइन का नंबर है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसको 1800-599-0019 इस पर कॉल करके किरण कोविड 19 पैंडेमिक से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर कॉल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, वैसे अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है, पर डे हम 30,000 लोगों का कवर कर रहे हैं, उसका तो बहुत अहम जो अंश होता है जो खासतौर पर दिव्यांगजन है। यहाँ गोरखपुर जनपद में तकरीबन 70,000 से लेकर 1,00,000 के आसपास लोग हैं, उन लोगों के लिए अलग कैंप ऑर्गेनाइज की जा रही है आज CRC में जो आप देख रहे हैं। और इसके अलावा भी हम करीब 25 जगह जो इसके लिए दिव्यांगजन के लिए अलग अलग कैंप ऑर्गेनाइज कराते हुए वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कितने भी जो दिव्यांगजन है आपका जो आसपास जो भी नज़दीक में हर ब्लॉक में ब्लॉक सेंटर में वैक्सीनेशन हो रहा है, यानी 20 जगह। उसके अलावा जनपद यहाँ गोरखपुर में जो CRC सेंटर में हो रहा है, जिला अस्पताल में हो रहा है, महिला अस्पताल में हो रहा है, ज़रूर इसको जानकारी दीजिए ताकि उनको लाइन में खड़ा होना और अकेले आना ये बहुत सारे समस्या होती है दिव्यांगजन का। उसी के दृष्टिगत रखते हुए हम लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज किए, इसको भरपूर फ़ायदा उठाइए, ज़रूर आकर के वैक्सीनेशन लगाएं।